कोलकाता के आरजी कर अस्पताल में एक महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी ने पूरे देश को हिला दिया है। यह भयावह घटना जिसने महिला डॉक्टर की बलात्कार के बाद निर्मम हत्या का रूप लिया, अब राष्ट्रीय आक्रोश का विषय बन चुकी है। यह कोई पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। सरकार, विपक्ष और डॉक्टर सभी सड़कों पर उतर आए हैं, लेकिन सवाल यह उठता है कि आखिर कौन क्या चाहता है। आइए इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर नजर डालते हैं। डॉक्टरों की पहली और सबसे अहम मांग है कि पीड़िता को न्याय मिले और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। इसके अलावा सभी अस्पतालों में डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए और मृतक डॉक्टर के परिवार को उचित मुआवजा दी जाए। इसके साथ ही डॉक्टर सेंट्रल हेल्थ केयर प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहे हैं। फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया रेसिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन ने इस घटना के विरोध में धरना प्रदर्शन किया और आज भी दिल्ली में रेसिडेंट डॉक्टर एक विरोध मार्च निकालेंगे। डॉक्टर का कहना है कि बिना सुरक्षा के वे अपने कार्य को कैसे जारी रख सकते हैं और इसलिए उनकी मांगे पूरी की जानी चाहिए। इस घटना के बाद विपक्ष ममता सरकार पर लगातार हमलावर है। बीजेपी ने इस मामले को लेकर राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन किया और इसे ममता सरकार की नाकामी के रूप में पेश किया। बीजेपी का आरोप है कि राज्य सरकार इस मामले को दबाने की कोशिश कर रही है और अस्पताल में सबूतों को मिटाने के प्रयास हो रहे हैं। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने केंद्रीय गृह सचिव और सीबीआई निदेशक से भी इस मामले में हस्तक्षेप करने का आग्रह किया है। कांग्रेस ने भी ममता सरकार पर हमला बोला और कहा कि इस घटना में आरोपियों को बचाने की कोशिश हो रही है। राहुल गांधी ने इस मुद्दे को गंभीर बताते हुए कहा कि यह घटना राज्य की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस घटना को बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि दोषियों को कड़ी सजा दी जानी चाहिए। उन्होंने मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में ले जाने का निर्देश दिया है और कहा है कि अगर अपराधी को फांसी दी जाती है तो इससे समाज को एक मजबूत संदेश दिया जाएगा। हालांकि उन्होंने यह भी कहा कि वे छात्रों को दोष नहीं देना चाहते क्योंकि वाम और राम मिलकर इस घटना को बढ़ावा दे रहे हैं। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस घटना को मानवता के लिए शर्मसार करार दिया और कहा कि बंगाल में माँ बेटियों की सुरक्षा नहीं हो पा रही है। उन्होंने राज्य सरकार की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल उठाए और कहा कि यह घटना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है और इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। कोलकाता हाई कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले की जांच सीबीआई को सौंपी गई है। सीबीआई ने इस मामले में तीन अलग अलग टीमें बनाई है जो अलग अलग एंगल से जाँच कर रही है। जाँच एजेंसी ने पीड़िता का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर समेत चार अन्य डॉक्टरों से भी पूछताछ की है। सीबीआई की टीमें वारदात से जुड़ी तमाम कड़ियों को जोड़ने में जुटी हैं।